भैया ये क्या देखना पड़ रहा है मुझे यार, क्या देखना पड़ रहा है? मतलब एक बार को मैं राखी सावंत को देख सकती हूँ, मैं अर्जुन कपूर की मूवीज को झेल सकती हूँ। क्या बोल रहा है? बिलियन बोल, बिलियन बोल। मैं औरी को देख सकती हूँ, उसके इंस्टाग्राम को छान सकती हूँ, लेकिन उर्फी जावेद का शो? अरे यार हमारे देश में कमी थी क्या छपरी शोज की? नहीं। सुला हमारे पास है, बिग बॉस हमारे पास है, अब उर्फी जावेद भी अपना एक शो लेकर आएंगे जिसका नाम है फॉलो कर लो यार। कोई तरीका है भीख मांगने का? भैया सच में यार, जिस तरीके के इनके कपड़े हैं ना, उससे तो मुझे यही लगता है कि यही पहन के अगर बाहर निकल जाएंगे ना, वैसे ही पैसे दे देंगे। आपको शो की जरूरत नहीं है दीदी। भाई उर्फी जावेद का नाम सुनते ही ना पता है मेरे दिमाग में क्या आता है? घर के अंडे, तार, सेफ्टी पिन, कहीं ये सब चुरा कर ना ले जाए और उनकी ड्रेस बना कर ना पहन ले, ये सब मेरे दिमाग में आता है। भाई फॉलो कर लो नाम से इनके ट्रेलर भी रिलीज किया है इन्होंने शो का, और इन्हें देखकर मुझे पता है क्या लग रहा है कि सस्ती किम कार्दाशियन आ गई है। भैया मत 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 बनाया करो ऐसा जहर कि लोग देख ना पाए उसे। कैसा है ट्रेलर? ऑब्वियसली बेकार ही है, फिर भी कुछ और क्या क्या नुक्स निकाले हैं मैंने आज के इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगी। वीडियो को पूरा देख लेना, और उर्फी दीदी के फैन हो तो भी देखना यार, तुम्हारा देखना भी बनता है। उर्फी इज वेरी कूल एंड ब्रॉड माइंडेड। हाय गाइस, मैं हूं सुहानी और आप देख रहे हो फिल्मी जाट गर्ल। यार फेमस होने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता यार, ये कोई उर्फी जावेद से सीखो। मतलब उन्होंने टॉप की जगह पर एक पट्टी सी बांधी और उस पर भी प्रमोशन कर रही कि फॉलो कर लो यार। मतलब अब जीवन में खाना पीना जॉब करना ये सब जरूरी नहीं है, अब जरूरी है कि भाई उर्फी जावेद को फॉलो करो। ये सब देखकर मेरे मैं सोच रही हूँ मैं अंधी क्यों नहीं हो गई हूँ यार। उर्फी दीदी अपने ट्रेलर में कह रही हैं या तो मैं मर जाऊंगी या मैं दुनिया को पागल कर दूंगी। अरे पागल कर तो रखा है, पैप्स को पैसे दे देकर अपनी फोटो इतनी खिंचवा ली है, इतनी वायरल हो गई है, लोग आपको हेट करते हैं। मतलब आप एक ऐसी इंसान है जिसको लोग ना इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे आप कितनी भी खराब ड्रेस ही पहनकर क्यों ना आ जाओ। या तो मैं मर जाऊंगी या फिर दुनिया को पागल करके जाऊंगी। उर्फी जावेद ने हमारे इंस्टा फीड में गोबर फैला रखा है, इससे ज्यादा पागल तो और क्या ही करेंगी दीदी आप। और अभी तो रुको, दीदी का पागलपन यही खत्म नहीं होता है। दीदी अपने ट्रेलर में ये कहती हैं कि भैया ये अपने फेस पर कुत्ते बिल्ली की पॉटी लगाएंगे और ज्यादा सुंदर दिखने के लिए। दीदी कुत्ते बिल्ली की पॉटी लगानी थी तो इतनी बोटॉक्स सर्जरी जो आपने करा रखी, जितने पैसे आपने फूंक रखे उसकी क्या जरूरत थी? कोई पूछने वाला है आपसे ये बातें? और इस बार दीदी अकेली नहीं आ रही है, अपनी और दीदियों को लेकर आ रही है, यानी कि उर्फी सिस्टर्स भी हमें इसमें देखने को मिलने वाली है। तो हाँ यही सारी चीजें हमें यहाँ पर इस पूरे के पूरे शो में देखने को मिलने वाली है। और अभी तक मुझे लगता था कि उर्फी सिर्फ बेकार बातें करती है, छपरी कपड़े पहनती है, कुछ भी दिमाग में आए वही कर डालती है, बोल्ड बातें करती है, लेकिन ना अपनी बोल्डनेस की हद तो इन्होंने इस पूरे शो के ट्रेलर में ही बता दी। तुम खुद 2 किलो की हो, तुम 200 ग्राम डलवा के क्या करोगी? तौबा तौबा भैया, ये लड़की कैसी बातें करती है, मुझे नहीं लगता कि इस लड़की के पास दिमाग है। कह रही है कि ये जानवी और नौरा के जैसे फेमस होना चाहती है, डांस करना चाहती है। उन्हें कोई बताओ कि उन्होंने तो फिर भी अपने जीवन में थोड़ी बहुत मेहनत की है, और जानवी कपूर तो आज भी कर रही है। अब इनको अगर मेहनत ये लगती है कि टेप के कपड़े बनाकर पहन लो, साड़ी बिना पेटीकोट के पहन लो, तो वो बात अलग है। भाई जीवन में कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, थोड़ा थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी चलता है, लेकिन इस पागलपन को, इस लाइलाज बीमारी को मैं क्या ही बोलूं। और फिर जावेद अपने आप को ये सोचती है वो किम कार्दाशियन बन सकती है, भाई इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। मैं बनूंगी नेक्स्ट इंडिया की किम कार्दाशियन। उर्फी दीदी ने पूरे ट्रेलर को बहुत ज्यादा इमोशन से भरने के लिए बहुत चीखने चिल्लाने की कोशिश की है, लेकिन कर नहीं पा रही है, हो नहीं पा रहा है आपसे। मतलब आपका ये जो भीख मांगने का तरीका थोड़ा कैजुअल नहीं हो गया कि फॉलो कर लो यार? इंस्टाग्राम पे ठीक ठाक फॉलोवर है आपके, उसके बावजूद आपको ये शो लाने की क्या जरूरत थी? और ऊपर से मैं ये सोच रही हूँ कि मैं एक बार को राखी सावंत, सरलीन चोपड़ा सबको झेल सकती हूँ, पर आपको तो बिल्कुल नहीं झेल सकती। ऊपर से मेरे दिमाग में ये भी आ रहा है कि भाई अमेजोन प्राइम वीडियो की ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई थी कि उन्हें उर्फी जावेद का शो लेकर आना पड़ रहा है। बाकी तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो बताओ मुझे, मैं तो थक गई हूँ उर्फी जावेद के बारे में बातें करके, इससे ज्यादा बेकार बातें नहीं बोल सकती मैं उर्फी जावेद के बारे में। तुम बताओ अगर तुमने उनका ट्रेलर देखा है तुम्हें कैसा लगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में ही, तब तक तुम फिल्मी जाट गर्ल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना।